नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। इसमें इस सवाल का जवाब दिया गया था कि CAA कानून का इस्लाम की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि CAA अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है। 11 मार्च को देश में CAA के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद 12 मार्च की शाम को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज पब्लिश की गई जो बाद में डिलीट कर ली गई। ऐसा ही हुआ PIB के एक्स ट्विटर यानी प्रोफाइल पर। प्रेस रिलीज को ही CAA के मिथक तोड़ने वाले तथ्य के नाम से एक्स पर पोस्ट किया गया था और बाद में डिलीट कर लिया गया। CAA का इस्लाम की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? PIB की वेबसाइट पर इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए पॉजिटिव नैरेटिव नाम से छापा गया था जो क्वेश्चन आंसर की शक्ल में था। इस रिलीज में एक सवाल था कि CAA का इस्लाम की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जवाब में लिखा गया था, उन तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है। हालांकि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है। अत्याचार के प्रति संवेदना और क्षतिपूर्ति दर्शाने वाला यह कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है। एक अन्य सवाल में पूछा गया कि भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए CAA कानून में क्या चिंताजनक है। जवाब लिखा था, भारत में रहने वाले 18 करोड़ मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। उनके पास भारतीय हिंदू नागरिकों के समान अधिकार है। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। क्या मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक है? इस सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने लिखा था, नहीं, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 जो प्राकृतिक आधार पर नागरिकता से संबंधित है के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है। क्या मुस्लिम प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा? रिलीज में एक और सवाल था कि क्या CAA में अवैध मुस्लिम प्रवासियों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वापस भेजने का कोई प्रावधान या समझौता है? जवाब था, भारत का इनमें से किसी भी देश के साथ इन देशों में प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है। ये नागरिकता अधिनियम अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है और इसीलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता की CAA मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अनुचित है। प्रेस विज्ञप्ति में एक सवाल अवैध प्रवासी के बारे में पूछा गया था जिसका जवाब था, नागरिकता अधिनियम 1955 की तरह ही CAA कानून अवैध प्रवासी को एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है जिसने वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है। CAA की जरूरत क्यों है? कुछ अन्य सवाल जवाब इस प्रकार थे, इस संशोधन की क्या जरूरत है? उन तीन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए यह अधिनियम भारत की प्रचलित उदार संस्कृति के अनुसार उनके सुखी और समृद्ध भविष्य के लिए उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर देता है। नागरिकता प्रणाली में जरूरत के अनुसार बदलाव लाने और अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता थी। इस दिशा में सरकार की पिछली पहल क्या है? 2016 में केंद्र सरकार ने इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में रहने के लिए दीर्घकालिक वीजा की पात्रता दी थी। क्या इस कानून में किसी अन्य देश से आने वाले मुस्लिम प्रवासियों के लिए कोई प्रतिबंध है? CAA प्राकृतिक आधार पर कानूनों को रद्द नहीं करता है, इसीलिए किसी भी अन्य देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह अधिनियम किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है जिसे इस्लाम के अपने तौर तरीकों का पालन करने के लिए उन तीन इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले 11 मार्च को CAA के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। आवेदन की योग्यता अवधि को 11 से कम कर 5 साल कर दिया गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।